क्या आप दिल्ली में रहते हैं और आपकी पढ़ाई केवल 12वीं कक्षा तक ही हुई है? आप एक नौकरी की तलाश में हैं, तो मैं आपके लिए लेके आया हूँ एक बैक ऑफिस एग्जीक्यूटिव की नौकरी, जिसमें आप महीने के 7,500 रुपये से लेकर के 27,000 रुपये तक भी कमा सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो के माध्यम से जानते हैं कि कैसे इस नौकरी के लिए आवेदन करें और कैसे इसे प्राप्त करें। इस नौकरी में आवेदन के लिए आप नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक को क्लिक करें, एप्लीकेशन को डाउनलोड करके उसके अंदर एक खाता बनाएं। तो दोस्तों, अब आपको क्या करना है, यहाँ पर सर्च में जाना है। सर्च में जाने के बाद यहाँ पर टाइप कर दीजिए बैक ऑफिस एग्जीक्यूटिव। तो यहाँ पर देखिए आ गया है बैक ऑफिस एग्जीक्यूटिव, इसके ऊपर क्लिक कर दीजिए। क्लिक करने के बाद यहाँ पर देखिए बैक ऑफिस एग्जीक्यूटिव की जितनी भी नौकरियाँ हैं वो सब आपके सामने हैं। सामने आपको दिखाई दे रही है मासिक तनख्वाह, तो यहाँ पर 11 से 27 हज़ार, यहाँ पर 7.5 से 8.5 हज़ार, यहाँ पर 15 से 18 हज़ार, यहाँ पर 10 से 20 हज़ार, यहाँ पर भी आप देखें तो 10 से 15 हज़ार। तो अब आपको ये जो चीज़ दिख रही है 100 ओपनिंग्स, तो इसका मतलब क्या है? तो इस कंपनी के अंदर जो है वो 100 लोगों के लिए नौकरी मौजूद है, ये इसका मतलब है। अब जैसे इस कंपनी के अंदर 5 लोगों के लिए नौकरी है, इस कंपनी के अंदर 8 लोगों के लिए नौकरी है। यदि आपको ये काम करने का कोई अनुभव नहीं है तो भी आप आवेदन कर सकते हैं, और पढ़ाई जो है आपकी वो 12वीं कक्षा तक की पूरी होनी चाहिए, और आपके नौकरी का इलाका जो है वो आप यहाँ पर देख रहे हैं, तो ये पीरागृही में है, ये नोएडा इलेक्ट्रॉनिक सिटी में है, ये सेक्टर 63 नोएडा में है, ये शाहदरा में है, और ये जो है ये शकरपुर में है। तो ये बेसिक सारी चीज़ें हमने देख ली। अब हम ये देख लेते हैं कि अगर आवेदन करना है तो कैसे करना है। तो फॉर एग्जांपल, इस नौकरी के लिए अगर आवेदन करना है तो आप यहाँ पर क्लिक कर दीजिए। क्लिक करने के बाद यहाँ पर देखिए जॉब डिस्क्रिप्शन आ रहा है, यानी कि इस नौकरी में आपको क्या करना है इसके बारे में आपको बताया जा रहा है। आपको जो फाइलिंग डॉक्यूमेंटेशन होता है उसको बिल्कुल अच्छे से मैनेज करना है, और बाकी जो ऑफिस रिलेटेड काम है उनको आपको पूरा करना है। कंप्यूटर का अच्छा ज्ञान आपके पास होना ज़रूरी है, और आपका टाइपिंग स्पीड जो है वो 30 शब्द प्रति मिनट का अगर है अंग्रेज़ी का तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। इस नौकरी के लिए आपको थोड़ा सा अंग्रेज़ी आना भी ज़रूरी है। नौकरी का पता आप यहाँ पर देख रहे हैं। इस नौकरी के लिए आपका इंटरव्यू जो है वो इन पर्सन लिया जाएगा, यानी कि आपको समक्ष बिठा करके लिया जाएगा। और इसका अगला चरण ये है कि आपको यहाँ पर अप्लाई फॉर जॉब के ऊपर क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर देखिए इनमें से कौन सा एक इंटरनेट ब्राउज़र नहीं है, यानी कि आपका ज्ञान जो है वो यहाँ पर टेस्ट किया जा रहा है, उसकी परीक्षा हो रही है। तो इनमें से कौन सा इंटरनेट ब्राउज़र नहीं है, क्रोम, इंटरनेट एक्सप्लोरर, पावर पॉइंट या फायरफॉक्स? तो इसका सही जवाब ये होना चाहिए। एक बार सही जवाब दे दिया उसके बाद यहाँ पर चले जाइए और आगे बढ़ जाइए। तो अब देखिए आपको पूछा जा रहा है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में अंडू करने के लिए कौन सा कीबोर्ड शॉर्टकट का यूज़ होता है, कंट्रोल वाई, कंट्रोल एक्स, कंट्रोल जी या कंट्रोल ए? तो इनमें से जो भी सही ऑप्शन है उसका चयन करना है, जिसका सही ऑप्शन ये होना चाहिए, और उसके बाद आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है। तो अब देखिए आपसे कहा जा रहा है कि अब आप इनके HR को कॉल लगा सकते हैं ताकि आपका इंटरव्यू फिक्स किया जा सके। तो यहाँ पर कॉल लगा के आप HR से बात कर सकते हैं। तो ये हमारी कॉल जारी है। तो अब देखिए आपसे पूछा जा रहा है कि क्या आपकी HR के साथ बात हुई या नहीं हुई। यदि आपकी बात होती है तो यस पे क्लिक कर दीजिए, बात नहीं होती है तो नो पे क्लिक कर दीजिए। तो हमारी अभी कोई बात नहीं हुई तो हम नो पे क्लिक करेंगे। तो अब देखिए आपसे कहा जा रहा है सेंड एप्लीकेशन टू HR, यानी कि आप इनके HR को जो है वो अब आवेदन भेज सकते हैं। तो ये सेंड एप्लीकेशन के ऊपर आपको क्लिक कर देना है, और ये मेरा आवेदन उन तक पहुंच चुका है। तो इस तरीके से दोस्तों आप इस नौकरी के लिए आवेदन कर सकते हैं। तो ये थी आपके लिए नौकरी बैक ऑफिस एग्जीक्यूटिव की। अगर आपको ऐसी ही और नौकरियां देखनी है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने कुछ लिंक्स दिए हुए हैं, उन लिंक्स के ऊपर जाकर के आप अपने लिए ढेर सारी नौकरियां देख सकते हैं।